कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच फूल पौधों की बिक्री बिल्कुल बंद हो गई है और नर्सरी के श्रमिक के पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। पूर्वी दिल्ली में यमुना खादर में लगभग 1,500 कर्मचारी रहते हैं जो फूलों की खेती में शामिल हैं। इनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के निवासी हैं और पिछले 1.5 दशक से दिल्ली में रह रहे हैं। यमुना के मैदानों में अधिकांश लोगों के लिए फूलों के पौधों की देखभाल करना इनका रोजमर्रा का काम है। पहले लोग अपने बागानों या फूलों के गमलों के लिए फूलों के पौधों को लेने के लिए यमुना के मैदानों में जाते थे, लेकिन पिछले 1 महीने से खरीदार नहीं है। INS से बात करते हुए अमरपाल, जो नई दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से सटे खल गांव समाज के पीछे एक नर्सरी भी चलाते हैं, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनिए। क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी ये है कि हम लोग जंगल में रहते हैं, ये 1400-1500 आदमी हैं, सब लोग अपने अपने झुग्गी में रहते हैं, तो यहाँ ये कोई काम धंधा करता है, कुछ नर्सरी कर रहे हैं, थोड़े बहुत पेड़ पौधे का काम कर रहे हैं। पहले बाढ़ आई थी, उसमें सारा धंधा चौपट हो गया, फिर ये तोड़ फोड़ होगी DDA की, उसमें सारा धंधा चौपट हो गया, सब मजदूर वैसे की वैसी हो गए, फिर अब ये लॉकडाउन हो गया। अमरपाल उत्तर प्रदेश के बदायूं के निवासी हैं। उनकी 70 साल की माँ आज बिस्तर पर हैं और उनका भी भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। कहीं धंधे पानी कोई जुगाड़ नहीं, यहीं पे 2-4 पौधे इधर से उधर करते हैं, उसमें गुजारा कर रहे हैं, वो भी है बंद। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिलता नहीं, मीडिया वाले भी कई लोग यहाँ आए, उस दिन आए थे 6 जने, तो उन्होंने भी ले गए लिख के, मगर कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। अब आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? अब ये चाहते हैं कि या तो धंधा पानी चले या कुछ ना कुछ जीने भर का तो गवर्नमेंट से कोई सरकार से हमें लाभ मिले। अब यहाँ किसी से कहते हैं तो अब लोगों के घर में कि एक एक दो दो बार तीन तीन बार चार चार बार सब कुछ आ गया खाने पीने का, और यहाँ किसी को ये नहीं पूछा कि आप लोग यहाँ भूखे हो प्यासे हो, क्या बात है, क्या परेशानी है। इलेक्शन के टाइम पे सब आ जाते हैं कि वोट दे दो, हमें जिता दो, हमें मंत्री बना दो। अनारा देवी जो उसी क्षेत्र की रहने वाली हैं और प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के घोषणा के बाद हमारे पास कोई आय नहीं है और कोई खरीदार भी नहीं है। आप लोग यहाँ पे नर्सरी चलाते थे जी, तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से स्थिति क्या है यहाँ पे? लॉकडाउन की वजह से पूरी बिक्री बंद है, कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं। हाँ, अब वही है हम लोग का कि यहाँ पे खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो सरकार की तरफ से कोई मदद आ रही है आप लोगों? कोई मदद नहीं मिल रही है। जो आते हैं बांटने वाले आप सरकार की तरफ से आते हैं कि कोई से आम आदमी आते हैं रोड पे बांट के चले जाते हैं, जिसके पास बच्चे हो अपना ले लेते हैं, हम लोग पता नहीं चल पाता। अनारा देवी ने आगे कहा कि पिछले 1 साल से उन्होंने जो पैसा बचाया है उसका इस्तेमाल लॉकडाउन के दौरान राशन खरीदने के लिए जा रहा है। अब हम चिंतित हैं क्योंकि हमने जो पैसा बचाया था वो लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। तो फिर घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो फिर वो कैसे खा रहे हैं बच्चे? ऐसे खा रहे हैं सर, क्या बताएं, जो रखा हुआ है 2-4 पैसे रखे हैं अपना, वही बच्चों को खिला रहे हैं। घर जाना भी तो मुश्किल हो रहा है कि घर चले जाएं, अब वो भी तो नहीं जा सकते हैं। बहरहाल दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को भोजन और राशन प्रदान करने की घोषणा की है। 7 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा कवर नहीं किए गए लोगों के लिए मुफ्त अनाज प्राप्त करने में मदद करने के लिए वेबसाइट rashan.jantasamvad.org लॉन्च की, लेकिन नर्सरी में काम करने वाले रामबरन अनाज और खाने पीने की व्यवस्था पर क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? हम लोग को परेशानी है, न धंधा चल रहा है, न पानी चल रहा, बिक्री उक्री है नहीं, और जो पैसे भी थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब सरकार से हमको यही चाहिए कि कुछ खाने पीने को मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो घर जाने दें, फिर हम लोग को घर जाने दें, या तो कहीं व्यवस्था हमारा लोग का कुछ है नहीं, और क्या कर सकता हूँ, ना रहने की ना खाने की, पानी तक तो मिल ही नहीं रहा, तो क्या करें, रास्ता जाने नहीं दे रहे कहीं इधर उधर। सरकार की तरफ से कोई राशन वगैरह की मदद? अभी कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ से, कुछ भी राशन नहीं मिला है। अब ये हो रहा है कि राशन मिलेगा, अब इंतजार कर रहे हैं कब मिलता है, देखेंगे कब मिलेगा। इन नर्सरी श्रमिकों का दर्द जिस कदर झलक रहा है, उम्मीद है कि सरकार तक इनकी ये आवाज जरूर पहुंचे और इनको जल्द से जल्द मदद मिल सके, ताकि ये श्रमिक इस संकट की घड़ी में रोटी को और ज्यादा दिन तक ना तरसे।